मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ पहले पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने कि बेसिकली क्या होता है बेटा, कि व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, क्या होता है केमिकल रिएक्शन बच्चों? अगर मैं बोलूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, क्या होता है बेटा केमिकल रिएक्शन, बताएगा मुझे कोई, एनीवन? When two or more reactants react together and form a product, this process is a reaction. पर बेटे यहाँ पर हमें जो है, आप देख पा रहे हो, माइक अपना बोल के ऑफ कर देना बच्चों, ठीक है? हम यहाँ पर देख पा रहे बेटा, we have two changes, physical changes and chemical changes. Yes or no बेटा? अब जितने भी chemical, physical process होते हैं बच्चों, processes, physical changes और जो केमिकल चेंजेस है बेटा वो केमिकल प्रोसेस करते हैं, यस और नो? और इसी को तो बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा, कि ये जो फिजिकल, ये जो केमिकल चेंज दिख रहा है बेटा, बर्निंग ऑफ बेटा, एक क्या हमारे पास, वुड, ठीक है? बर्निंग ऑफ वुड जो है बेटा, दैट इज केमिकल चेंज, यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? यस सर, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा, हमारे पास दो टाइप के चेंज होते हैं, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है बच्चे? एग्जांपल देने की तो मुझे जरूरत नहीं है बेटा, आप तीनों बच्चों जानते हो ना कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं बेटा। यस सर, बाय डेफिनेशन हम पहुंचे बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बेटा, एक ऐसा प्रोसेस बेटा जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन जो होती है बेटा वो चेंज नहीं होती, या आप ये कह सकते हो कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यस और नो? अब भाई मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या समझते हो बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या समझते हो भाई? वो है तो वॉटर ही ना बेटा, कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या, कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या बेटा? इवेपोरेशन ऑफ वॉटर, नो सर, गैस वापस कंडेंस हो जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा, यस और नो? सिमिलरली बेटा, अगर मैं उसी के अपोजिट बात करूं, मैं केमिकल चेंज, तो हमने बात की है बेटा कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होना है, और ऐसे सब्सटेंस का बेटा देखो ना, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा, न्यू होगी, यस और नो? जैसे आप कंबशन ले लो, कंबशन मतलब क्या होता है बेटा, जलना होता है ना, बेसिकली बर्निंग ऑफ फ्यूल, डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड बेटा। तो आई होप आपको पता होगा बेटा कि व्हाट यू मीन बाय फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना? क्या किसी को डाउट है बेटा? हार्दिक, अश्विन, रोहन, इसमें कुछ भी समझना हो, एनी डाउट बता दो मुझे, कोई डाउट नहीं है किसी को, बता दो। सर फिजिकल वाले में जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्ट होके सर वापस आइस बन सकती है, और केमिकल में जैसे बर्निंग ऑफ वुड, या यस बेटा, इसमें आप ये कह सकते हो फिजिकल चेंज ये रिवर्सिबल होता है बेटा, ये रिवर्सिबल होता है, यस और नो? ओके सर, जबकि ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है बेटा, ठीक है ना, ये इरिवर्सिबल होता है बच्चे, यस सर, अंडरस्टूड? यस सर। नो बेटा, अगर मैं बात करूं उसके बाद कि यार देखो ये सब ठीक है, बट मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए और बी मिलके बेटा फॉर्म कर रहा है बेटा ए बी, यस और नो? तो बेटा जो ए है हमारे पास, दैट इज व्हाट बेटा, बी क्या है बेटा और ए बी क्या है? तो यार ये दो चीज मिल रही है और एक नई चीज फॉर्म हो रही है, यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट, दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट, रिएक्टेंट्स, केमिकल रिएक्शन। नहीं, ए और बी को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, एंड हार्दिक ए बी को रिएक्टेंट्स, और सर सी को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलेंगे, वेरी गुड।
सो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी कोई दो सब्सटेंस थे जो बेटा एड ऑन हो रहे हैं, मिलके ए बी बन रहा है। सो जो तो मिल गए हैं ना रिएक्शन के लिए, डेट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म हुआ है बेटा डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन हम देखिए व्हाट डू यू मीन रिएक्टेंट बेटा, तो आप रिएक्टेंट देख पा रहे हो द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा वो हमारे पास रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट कौन होगा बेटा, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसकी एक नई प्रॉपर्टी है बेटा। यस और नो, एनी डाउट टू एनीवन बेटा बता दो मुझे। सो मान लो एक एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक इज अ फॉर्म ऑफ कोल बेटा, ये कह सकते हो ये भी एक फ्यूल है बेटा, है ना। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, मतलब भाई सी प्लस ओ टू मिलकर क्या बनेगा बेटा, सीओ टू बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। यस और नो, तो दीज आर कॉल्ड बेटा व्हाट रिएक्टेंट, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सीओ टू इज कॉल्ड बेटा प्रोडक्ट, सीओ टू इज कॉल्ड प्रोडक्ट। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट बेटा किसी को भी, ओम ओम भी आ गया है क्या? यस सर, वो पहले थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा था भाई। जिस भाई साहब के लिए क्लास रखी गई है केविन भाई साहब ही अब्सेंट है भाई, मुझे लगता है 12 बजे के बाद ही जगे गए, है ना। चलो भाई ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आई होप सभी को क्लियर होगा बेटा। देखो ये वाला जो देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। यस और नो, इसमें आप देख रहे हो कि एक मैग्नीशियम रिबन है बेटा, ये देख रहे हो, ये जो इसमें दिख नहीं रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, डेट इज ये मान लो बर्निंग रिबन है बेटा, और ना ये एकदम लो फ्लेम पे, ऐसा नहीं कि माचिस से जलाओगे इसे और जल जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, इसको एक ब्लू फ्लेम चाहिए, एंड ब्लू फ्लेम तभी आता है बेटा जब एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी मिले, लाइक गैस हो गया, देखो बर्नर है और बर्नर पे ब्लू फ्लेम पे बेटा ये जलता है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि जब तुम इसे मैग्नीशियम को बर्न करोगे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है बेटा, तो इसको बर्न करने से पहले इसको टिश्यू पेपर से साफ करने के लिए बोलते हैं, है ना बेटा, टिश्यू पेपर से साफ करने को बोला जाता है। ऐसा क्या होता है बेटा, कोई बताएगा व्हाई? Why we clean? Why do we clean magnesium ribbon before burning it, बेटा? कोई बताएगा जरा मुझे? बताओ बेटा, कोई भी बताओ। कोई नहीं बताना चाहता बेटा, कोई नहीं बताएगा भाई। देखो यार होता क्या है ना बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना बच्चों, वो बेसिकली किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यस और नो भाई, मान लो मैग्नीशियम रखा हुआ है तो भाई आसपास तो वो दो गैसेस होंगी बेटा, मान लो ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये दो मेन गैसेस तो होंगे बेटा, तो मैग्नीशियम बेटा इनसे रिएक्ट कर जाता है, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है बेटा ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म करेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्न करने से पहले भी बच्चों हमें इस मैग्नीशियम रिबन पे से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको क्या करना होगा, निकालना होगा बेटा। यस और नो, ठीक है। मान लो कि एक ये मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, तो इसके ऊपर बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही की लेयर कह सकते हो, ये होगा ना, हमें उसे क्लीन करके ओनली मैग्नीशियम फॉर्म करना होगा बच्चों, और देन जब इस मैग्नीशियम को बर्न करोगे बेटा तो बेटा आपको क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड? तो क्यों क्लीन करते हैं, ताकि हम बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को उस पे से मैग्नीशियम के ऊपर से बेटा क्या कर सकते हैं,
रिमूव। यस, कोई डाउट बेटा? ये एक्टिविटी क्लियर हुई बेटा? यस सर। मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं बच्चों इस वाली रिएक्शन में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। एम Mg plus O2 reactant। प्लस नहीं, मैग्नीशियम बोल दोगे और क्या बोल दोगे बेटा? O2 बोल दोगे। Very good। ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ठीक है। नो, नेक्स्ट आ जाओ बेटा हमारे पास कि देखो यहाँ पर ना इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ बेटा हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, यस और नो दे रहा है ये वाला? मुझे एक चीज बताओ छोटा। यस बेटा बोल। सर वो एक डाउट है, जैसे कि अगर रिटर्न में लिखने के लिए मेरा एक क्वेश्चन आया था पेपर में, तो मैंने वैसे लिख के आ गया हूँ कैसे सिंबल के फॉर्म में, तो चलेगा ना? बिल्कुल दौड़ेगा भाई। मानो रिएक्शन किसका? वो Mg का ही था, बोला था कि राइट इन क्या बोलते हैं केमिकल लेटर फॉर्म। लेटर फॉर्म मतलब ये होगा ना कि तुमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, यही तो है? हाँ जी सर। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने बात करनी है इसके बारे में कि भाई जो ये हमारे पास वैल्यूज होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कई बच्चा ऐसे भी तो लिखता है बेटा, हम पहले तो ऐसे लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिल जाएगा बेटा हम लोगों को? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्म ना, बट इस वर्ड फॉर्म को जब हम लोग क्या कर देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म दे देते, तो क्या बन जाता है बच्चों? ये बताओ क्या बन जाता है बेटा? केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड, किसने बताया ये? वेरी गुड। नो बेटा, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया है, देख लो। एक हमारे पास बेटा ये, इसे कहते हैं ग्रेजुएट सिलेंडर। वैसे तो ग्रेजुएट सिलेंडर, ये सिलेंडर ग्रेजुएट कर चुका है बेटा, और इस सिलेंडर में इन्होंने क्या दिया बेटा? कॉपर सल्फेट, ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को इतना सा, ये ब्लू कलर जो बेटा यहां से लेके यहां तक, डेट इज कॉपर सल्फेट बेटा। ठीक, तो इसमें हमने आयरन की नेल डाली, सो अब रिएक्शन हुआ किसके बीच में बेटा? Fe प्लस CuSO4 के बीच। और मेरे बच्चों क्या बनेगा देखो, अभी तो तुम डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हो, Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बना चुका है बेटा, और कॉपर को अलग कर चुका है, और इसके वजह से आप देखोगे सॉल्यूशन कलर भी क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया इस वाले सॉल्यूशन का। यस और नो, है ना बेटा? तो यहाँ पर ये भी एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल है बेटा केमिकल रिएक्शन का। अंडरस्टूड ना? तो यहाँ पे जस्ट ये दो हमारे पास रिएक्शन के एग्जाम्पल थे बेटा, जो आप देख पा रहे थे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बेटा? एनी डाउट टू एनीवन बच्चों, बता दो मुझे। कोई डाउट बेटा किसी को भी? सर नहीं, किसी को भी? नो। अच्छा, देखते हैं भाई टेस्ट में कैसे कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पर मैंने बात की थी कि यार जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है मेरे बच्चों, तो आपको पता है कि यार उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें दिखते हैं और जो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। यस और नो? जैसे बहुत प्यारा सा पहला बेटा हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और कोई गैस बेटा रिलीज हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक है बेटा, और इस जिंक को बेटा जब H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया बेटा, वी गेट व्हाट? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे हम लिखते हैं बेटा, कोई गैस रिलीज होती है तो इस एरो से शो करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा बेटा कि जब कोई बेटा मेटल है, जिंक मेटल ले लो एक फॉर एग्जाम्पल मान लो, उसको जब H2SO4 में हमने पुट इन किया तो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ है और साथ में कोई गैस निकली है। दूसरे वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है बेटा,
तो मतलब रैंडमली कोई रिएक्शन हो रहा है, हमने दो रैंडमली कोई रिएक्शन लिए और उस रिएक्शन में ये दिखा कि भाई सम गैस में भी रिलीज्ड, सम गैस में भी बेटा रिलीज्ड, तो इससे क्या पता लगा कि भाई अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस भी रिलीज हो सकती है। एग्जाम्पल दिख रहा है आपके सामने, अंडरस्टूड ना बेटा। उसके बाद चेंज इन कलर, भाई अभी हमने देखा एग्जाम्पल देखा आपने कि आपने Fe को बेटा किसके अंदर दिया बेटा, कॉपर सल्फेट के अंदर, है ना बेटा। Fe को किसके अंदर डाला था अभी, कॉपर सल्फेट CuSO4 के अंदर। तो बेटा आपको क्या मिला अभी, FeSO4 प्लस क्या कॉपर Cu। इसका कलर पहले ब्लू था ना बेटा, अब क्या हो गया था कुछ ग्रीनिश कलर आ गया, ग्रीन यस अनु, कुछ ग्रीनिश कलर आ गया था बेटा। तो चेंज इन कलर की बात कर रहा है, चेंज इन कलर की बात कर रहा है, यस और नो, है ना। यस सर। हमने लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन पढ़ा है बेटा, कलरलेस से येलो कलर हो जाता है, PbNO3 होल ट्वाइस वाला जो रिएक्शन है ना। और थर्ड वाली बात जो है बेटा, दैट इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये चेंज स्टेट का बेसिक एग्जांपल देखो ना यार, हाइड्रोजन है बेटा, ऑक्सीजन है बेटा, ये दोनों गैस है, हमें मिलता क्या है बेटा, लिक्विड, यस और नो बेटा, है ना। तो ये तो जनरल सा एग्जांपल आप अपने आसपास देखते हो, इतने बड़े एग्जांपल पे जाना भी नहीं। गैस मिलाई हमने, कविन क्लियर हो रहा है बेटा, हमने गैस मिलाई, यस सर, क्या बना बेटा, वाटर बना, जो लिक्विड इन स्टेट है बेटा, है ना। फोर्थ बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मान लो यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी जो टॉपिक आएगा बेटा इसका वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब बेटा, प्रेसिपिटेट पहले होता क्या पहले ये समझ लो। अब प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लो ये सॉल्यूशन था बेटा, ये सस्पेंशन है, आपने 9th क्लास में सस्पेंशन पढ़ा है बेटा। तो जब बेटा ये क्या हमारे पास थर्ड वाला डायग्राम जो देख रहे हो बेटा, इसमें आपको कुछ दिख रहा है जो नीचे सेटल डाउन है। तो मान लो लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। जब इनको मिक्स आउट किया गया बेटा, तो लेड आयोडाइड, जो लेड आयोडाइड है बेटा, वो इस तरीके से नीचे सेटल डाउन हो गया है और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया है। फॉर एग्जांपल इसमें बेटा ये पोटेशियम नाइट्रेट है और नीचे क्या बेटा, लेड आयोडाइड, क्या बेटा, लेड आयोडाइड PbI। तो हमने ये देखा पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला PnO होगा, तो जैसे मैंने गलती की, पोटेशियम K से सिंबलाइज होता है, ठीक है ध्यान रखना, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट है और N से नहीं होता नाइट्रेट, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आपने, सिंबल NO3 वाला, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना बेटा। तो इस तरीके से आपको ये चीज गलत नहीं लिखनी, सिंबल या आपके पास कोई भी फॉर्मूला जो है बेटा, अंडरस्टूड ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि वो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हुआ सॉल्यूशन में, वो सेटल डाउन हो गया। मुझे जनरल एग्जांपल बताओ प्रेसिपिटेट का जो आसपास देखते हो, कौन बताएगा, हार्दिक बताओगे, कविन, एशिन, ओम, कोई बताओ, रोहन, एनीवन बेटा बताओगे। अरे बोल सकते हैं चौक, चौक का बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, जनरल एग्जांपल में और क्या लेगा, पोटेशियम परमैंगनेट कौन बनाएगा भाई, चौक पाउडर उसको तुमने किसी भी यस सर लिक्विड में डाल दिया बेटा, तो सेटल डाउन हो जाएगा ना, वो सैंड ले लो तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा बेटा, है ना, जो फुली डिसॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड बच्चों? और ये वाला तो हमारे पास ये दोनों रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक किसी कोई रिएक्शन लर्न है जो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाई भी है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बताओ किसी को याद हो, बेरियम सल्फेट वाला BaSO4 वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको याद है बेटा, बताओ, किसी को नहीं याद है, हार्दिक, एशिन, रोहन,
किसी को नहीं याद है? ओम ओम तो मजे गांव में है। देखो भाई गलत बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट को पहुंचो याद करो, ठीक है? तो कहने का मतलब बेटा हमारे पास ये हो गया कि जब पांचवा हम पढ़ लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भाई चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था पहले भी, एक हमारे पास ये सॉल्यूशन ले लो बेटा जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? आप इस पे पानी मिला दो या वाटर के अंदर इसको मिला दो, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड बेटा वाटर से मिलता है तो क्या बनता है बच्चों, बड़ा बताओ क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, आज कोई पढ़ के नहीं आया क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ठीक है, मतलब बेसिकली ये, तो बेटा ये जो है ना हीट रिलीज करेगा बेटा, ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये वाला कंटेनर बेटा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये जनरल टेम्परेचर का एग्जांपल है कि पहले वो चीज गर्म नहीं थी, कंटेनर गर्म नहीं था, बट वाटर के अंदर बेटा हमने कैल्शियम ऑक्साइड पुट ऑन किया दिया, तो बेटा क्या हो गया हमारे पास बताओ क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और वो जो कंटेनर है बेटा पहले से गर्म हो जाएगा। आपको पता है रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, ठीक है? हार्दिक मुझे बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट इज रिलीज, जिसमें हीट बेटा रिलीज होती है, यस, और जिसमें हीट देनी पड़ती है हमें, लगती है हीट, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने एक क्वेश्चन बताया था रेस्पिरेशन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? बिकॉज में एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है बेटा, है ना? और हमने जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं बेटा उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ी है ब्रेक डाउन करने के लिए सब्सटेंस को, यस और नो? तो मुझे कविन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो क्या क्या बताओगे? पहला बताओ क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। और बता, कविन बताएगा बस अभी। चेंज इन स्टेट भी लिख दिया, चलो और बता। एशिन तू बता दे एक दो। चेंज इन कलर, यस, कलर भी चेंज हो गया। रोहन तू भी बता दे भाई कुछ। प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म हो गया। सर गैस में भी इवॉल्व, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यस सर। कलर में भी चेंज, यस बेटा, गैस भी इवॉल्व होगी, निकलेगी, रिलीज होगी, वेरी गुड। तो आई होप बेटा सबको ये चीज पता है बेटा, पहले से पढ़ी है तुम लोगों ने, जस्ट रिवाइज करना है, ठीक? यस सर। अब बात हमारे पास है बेटा केमिकल इक्वेशन की। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है तुम्हें पता है बेटा पहले से, कि अगर मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया बेटा, है ना, अपने वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी तो उसे हमने बोला केमिकल इक्वेशन। मैंने एग्जांपल पहले ही तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला दे दिया है, यस और नो? उसके बाद बेटा जो भी हमें गिवन केमिकल इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड बेटा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा उसे? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टूड? जो भी मान ले हमारे पास ये इक्वेशन दे दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड वी गॉट MgO, हमें क्या मिल रहा है? MgO। तो भाई ये बैलेंस है चाहे अनबैलेंस है, इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है? और मैंने आपको बताया है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखो, अगर नंबर ऑफ एटम बेटा पार्टिसिपेटिंग एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले बेटा हमारे पास क्वेश्चन में बेटा जो क्वेश्चन कह रहा हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और MgO फॉर्म हो रहा है बेटा, इस वाले इक्वेशन में कितने पार्टिसिपेंट है बच्चों बताओ? रिएक्टेंट्स कितने हैं? पार्टिसिपेंट रिएक्टेंट कितने हैं? टू है बेटा। कौन कौन से? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन।
अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो गए बोथ साइड तो बेटा हमारे पास वो बैलेंस है, अदरवाइज वो क्या है बेटा, अनबैलेंस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई डाउट बेटा किसी को भी बता दो जरा मुझे। एक बार फिर से बताओगे? आपने बैलेंस कहा था तो सर आवाज कट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मान ले ये हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। अब इस साइड में मैग्नीशियम 1 है बेटा और ऑक्सीजन बेटा क्या है 2 है, और राइट हैंड साइड में बेटा मैग्नीशियम तो 1 ही है, ठीक है, yes, sir. और ऑक्सीजन कितना है बेटा 1 है। तो ये तो मैग्नीशियम तो चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के तो नंबर डिफरेंट है ना बेटा, यस और नो? यस। इसलिए बेटा हम क्या बोलेंगे कि ये अनबैलेंस है, तो उसको हमें बैलेंस करना होगा बेटा। तो हम ये कहेंगे ना कि नंबर ऑफ एटम जो है बेटा रिएक्टेंट साइड वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट साइड के, यस और नो बच्चों? है ना? यस सर। बड़ा सा क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है बेटा कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये एक चीज बताओ, हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा तो तुमने दो लॉज पढ़े, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या लॉ ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रोपोर्शन। तो बेटा जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम कौन से लॉज को फॉलो करवाते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस और नो? क्योंकि हमें पता है कि टोटल मास जो भी प्रोडक्ट का है वो बेटा इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा 2H2 प्लस O2 अगर क्या बन रहा है बेटा 2H2O। अब भाई हाइड्रोजन का मास मैं तुम्हें बता दो 1 होता है, और अगर ये H2 है तो बेटा 2 होगा, 2 बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है तो 2 है तो बेटा कितना हो जाएगा 32, दैट वी गॉट 34, यस और नो बेटा? यस सर। और अगर इधर भी देख लो किस 2 आगे लगने का मतलब है कि ये 2 पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, और ये 32 प्लस 4 36 होगा बच्चों, यस सर बोल रहा है, हैं 36 को 34 लिख रहा हूं फिर भी यस सर बोल रहा है। अब 2 बेटा H2 बेटा हमारे पास 2 हो गया, ऑक्सीजन बेटा 16 हो गया, वी गॉट 18 × 2 36 आल्सो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि टोटल मास कंजर्वड है बेटा, उतना ही आ रहा है जितना पहले था रिएक्शन के, यस और नो बच्चों? तो इस प्रोसेस को हम या इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलेंगे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस और नो बच्चे? यस सर। तो कहने का मतलब हमसे ये हुआ बेटा कि अगर ऐसा नहीं आया, इक्वल नहीं आया बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, तो वी नीड टू बैलेंस इट। और इसके लिए बेटा हमने उस दिन आपको एग्जाम्पल्स करवाए हुए बहुत सारे, याद है ना आपको? कि मान लो ये वाला रिएक्शन है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं तो आपको पता है जिंक प्लस H2SO4 ये वाला रिएक्शन फॉर्म हो रहा है बच्चों, यस और नो? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि क्या यहाँ पर कैसे देखना है आपको, कैलकुलेट करना है एलिमेंट के पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट देख लो कितने हैं, 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, यस और नो? कई बच्चे बताए क्या करते हैं बच्चों, देखो इसको मैं जूम कर दूं थोड़ा, देखो बेटा इसको, कई बच्चे क्या करेंगे कि जिंक लेंगे एलिमेंट, H2 लेंगे एलिमेंट और SO4 लेंगे एलिमेंट, यार ये गलत है, ये चीज बेटा बिल्कुल ही रॉन्ग है बेटा। आपको ये देखना है कि पहले तो आपको एलिमेंट ही पता होने चाहिए कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए बेटा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, अभी टाइम है बेटा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 पार्टिसिपेंट है जो हमें देख के पता लगा। अब यहाँ पे पहला जिंक कितना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड? 1 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 है, अभी हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात हो रही है बच्चों। सल्फर कितना है मेरे बच्चों? 1, यस। और ऑक्सीजन कितना बेटा? 4, यस और नो बच्चों?
बता दो। ऐसे ही आप काउंट कर लोगे बेटा प्रोडक्ट साइड, तो 1, 2, 1, 4 दिख रहा है हमें। कहने का मतलब यार ये तो बैलेंस है ना, ये तो गिवन इक्वेशन जो स्केलेटन इक्वेशन है बेटा, ये पहले से ही क्या है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बेटा। यस और नो मेरे बच्चों, ये तो पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यार हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस और नो सर? यस। जिसका रिएक्टेंट साइड जैसे वन है और प्रोडक्ट साइड भी उस वही सेम नंबर है तो वो बैलेंस्ड होगा, और जिसका वन होगा रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर होगा तो वो अनबैलेंस्ड होगा ना सर? बिल्कुल बेटा। यार ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं बेटा, इट इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ एटम। ये और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके एटम, इस जिंक के एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, क्या उतने ही प्रोडक्ट साइड भी है? तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा बेटा ये। यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। क्लियर है बेटा ये? बता दो मुझे, बताओ बेटा, क्या सभी को क्लियर है? क्या बताना? यस सर। कविन क्लियर है ना? यस सर। यस। चलो भाई अच्छी बात है, क्लियर है तो। अब यहाँ पर देखो एक सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, दिखाई दे रहा है सबको, इसको करना है बेटा, कॉपी ले लो। Fe है, H2O है बेटा, Fe2O3 और हाइड्रोजन है बच्चे। अब यहां पर आप देख रहे हो कि कितने पार्टिसिपेंट हमारे पास, कौन बताएगा मुझे कितने पार्टिसिपेंट होंगे हमारे पास? टू पार्टिसिपेंट है। टू किसने बोला सर? थ्री हैं। हार्दिक क्लियर है ना? Fe हाइड्रोजन H ऑक्सीजन। हार्दिक तुझे क्लियर है बेटा? एशन ठीक है। हार्दिक तुझे क्लियर है? रोहन यस सर। हार्दिक को क्लियर ही नहीं है, हार्दिक की मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दी। यस सर ठीक है, अब सुनाई दे गई मुझे, और कविन तो बोल ही रहे। तो भाई देखो आयरन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड डाल दो, राइट हैंड साइड डाल दो, लेफ्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट और राइट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यार आयरन हमें वन ही दिखाई दे रहा है ना बेटा, आयरन तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, वन ही दिखाई दे रहा है। ये देखो ना यहाँ पे आयरन है बेटा, ये वन ही तो दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन बेटा कितना दिखाई दे रहा है? टू। और ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है बेटा? वन। यस और नो? यस और नो बच्चों? यस सर। वेरी गुड। ऐसे बेटा आप राइट हैंड साइड में देखो Fe2 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा? 3 है, और हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 है। 2। यस और नो? अब एक चीज बताओ, यहां पर मैंने Fe2O3 लिख दिया जबकि बन क्या रहा है बेटा यहां पर गिवन इक्वेशन में Fe3O4। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से Fe2O3 डाला है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके पास Fe3O4 बन रहा है, तो उसके हिसाब से Fe कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, सॉरी 4 हो जाएगा। यस और नो? अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं या तो Fe को 3 बना दो बेटा, है ना, या तो ऑक्सीजन को 4 बना दो, मर्जी आपकी है। तो मैंने क्या किया बेटा, अच्छा एक बारी में एक ही करना है, ठीक है ये ध्यान रखना। तो Fe को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इज व्हाट? अब जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसको बच्चा यहां नहीं लिखना, तुम्हें इसके नीचे नहीं लिखना, तुम्हें कहां लिखना है बच्चों? आगे। तो 3Fe प्लस, और बाकी में कोई चेंज नहीं करना बेटा, बाकी में कोई भी चेंज नहीं करना। तो बस फिर से एक बार टेबल बना लो, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। राइट हैंड साइड में बेटा आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4।
अब मुझे बताओ हम किसको बनाएंगे इक्वल, आयरन इक्वल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे बनेगा, फोर्स से मल्टीप्लाई करके। यस, फोर्स से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को। ठीक, तो कहने का मतलब बेटा कि ऑक्सीजन के साइड हम फोर मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऑक्सीजन साथ फोर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे, आगे लगा के, आगे लगा के, आगे लगा के, किसके आगे लगाएंगे, किसके आगे लगाएंगे, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के आगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे, मतलब यार यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ पे H2O के आगे। यस, बस यहाँ पे हमने इस वाले पे लगा देंगे, तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। ठीक है, तो अब भी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। देखो Fe3 है बेटा, Fe क्या है बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन, अभी बैलेंस नहीं हुआ। नो सर, हाइड्रोजन के आगे फोर लगाने। अच्छा, अब देखो यार ऐसे हम काउंट करेंगे, अब हमने ये देखा हाइड्रोजन तो 8 हो गया बेटा, 4 2 8, तो यहाँ पे 8 कैसे होगा, यहाँ पे 4 लगा के बेटा। यस और नो, क्या आपको समझ में आया लास्ट स्टेप? यस सर। भाई यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, फिर से राइट हैंड साइड बनाते हैं, FeHO, Fe बेटा लेफ्ट हैंड साइड में अब 3 है, हाइड्रोजन कितना है बेटा 8 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है, और राइट हैंड साइड में बेटा 3 है हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर 4 नहीं लगा था तो H2 ही था ना बेटा, और ये कितना होगा ऑक्सीजन 4। अब मैं हाइड्रोजन को 8 कैसे बनाऊंगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करके, एंड सो 4 बेटा आ गया आगे। ठीक है, एंड दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे लिखना बाद में चाहिए मुझे, बट ये टाइम अप हो जाएगा ना, तो इसलिए बेटा मैंने फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 बेटा, इट इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों। ठीक सर, बेटा बोल। जैसे अभी आपने ये इक्वेशन दी है, हमें बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड बताना है, तो बैलेंस्ड होगा तो सर तो हम बैलेंस लिखते हैं, और अनबैलेंस्ड जो आपने फॉर्मूला हमें जैसे बताया LHS और RHS, तो ऐसे करके निकाल के दे देंगे सर। बिल्कुल बेटा, और ये जितने सारे क्वेश्चन इस असेसमेंट लिखने आपको यही करके होमवर्क रखना।